नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सीपी प्लस डीवीआर का वर्सन 4 या सीबी 5 वर्सन में वायरलेस ड्राइवर अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा है। इंस्टॉल करने के बाद जब वाईफाई एडेप्टर लगाते हैं तो वाईफाई शो नहीं करता है। वाईफाई को कैसे इनेबल करें और ड्राइवर को कैसे अपडेट करें, तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आप डीवीआर को रेडी कर लीजिए और ध्यान रखिएगा डीवीआर में हार्ड डिस्क इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो आपका वायरलेस ड्राइवर अपडेट नहीं होगा क्योंकि डीवीआर में मेमोरी बहुत ही कम रहता है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके मेनू में जाइए, फिर डीवीआर को अनलॉक करिए, फिर आप नेटवर्क में आइए, फिर वाईफाई पे क्लिक करिए। वायरलेस मॉड्यूल फर्मवेयर और वायरलेस मॉड्यूल फर्मवेयर वर्सन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। वायरलेस ड्राइवर अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका वर्सन 1 शो करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसे अपडेट करना है। तो सबसे पहले एक पेन ड्राइव लीजिए, फिर इसको आप विंडोज में कनेक्ट करिए, फिर पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट आपका फैट 32 बिट वर्सन में होना चाहिए। DVR का वायरलेस अपडेट फाइल को वायरलेस फाइल को कॉपी करिए, फिर आप पेन ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए, फिर आप पेन ड्राइव को रिमूव करके निकाल लीजिए। तो फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा CV4 या CV5 वर्जन के लिए। और अगर आपका कोई दूसरा मॉडल है तो आप सिंपली आपका DVR का वर्सन का एक पिक्चर लीजिए, तो फिर उसको मेल खोलिए, कॉम्पोज में जाइए और support@cpplusworld.com को एक मेल करिए। वाईफाई इशू करके वाईफाई इशू लिख दीजिए, फिर DVR नॉट सपोर्ट एनी वाईफाई एडाप्टर लिख दीजिए और फिर आप यहां पर उस फाइल का लिंक कर दीजिए। जो आपका वर्सन का पिक्चर था उसको अटैच करके सेंड कर दीजिए। तो इसको सेंड करने के आपके 24 घंटा के भीतर ही आपको मेल चला आएगा। फाइल और इंस्ट्रक्शन दोनों दिया होगा, देखिए यहाँ से सीपी प्लस से मेल आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पर दो अटैचमेंट भी दिया रहेगा फाइल का और एक, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर पेन ड्राइव में लोड कर लीजिए। तो फाइल को कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव को आप DVR में लगाइए। तो DVR में लगाते ही आपको स्क्रीन पर एक मैसेज चला आएगा, देखिए फाइल बैकअप, लॉग बैकअप, कॉन्फिग बैकअप या अपडेट का। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पर फिर भी फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको फिर आप किसी दूसरे में जाइए, TCP/IP में जाइए, वाईफाई में जाइए, तो देखिए यहाँ पर फिर एक्टिव हो गया। तो इसको सिंपली आप क्लिक करिए फर्मवेयर अपडेट को। और यहाँ से आप देखिए 7Z को चूज करके ओके करिए, फिर आप ओके करिए। तो देखिए यहाँ मैसेज चला है, सक्सेसफुली इंस्टॉल द वायरलेस मॉड्यूल फर्मवेयर। ओके पर क्लिक करिए, फिर DVR को रिस्टार्ट कर दीजिए।
देखिए यहाँ पर टिंडा का वायरलेस को टेस्ट करेंगे। डीवीआर को ऑन देते हैं, तो चलिए वाईफाई एडाप्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वाईफाई एडाप्टर का सिंबल शो कर रहा है, इसका मतलब वाईफाई एडाप्टर सपोर्ट कर रहा है। चलिए कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करके मेनू में जाइए, यहाँ से आप नेटवर्क में जाइए, वाईफाई में जाइए। तो देखिए यहाँ पर वाईफाई डिवाइस शो कर रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर वाईफाई और वर्सन भी शो कर रहा है, फर्मवेयर वर्सन। डबल क्लिक करिए, यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड दीजिए। एडाप्टर कनेक्ट और वाईफाई भी कनेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस शो कर रहा है। फिर बैक में आइए, वाईफाई को फिर से ओपन करिए। तो देखिए यहाँ पर डिसकनेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब वाईफाई कनेक्ट। और एक बार क्लाउड को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डीवीआर भी ऑनलाइन हो गया है, इंस्टा क्लाउड भी ऑनलाइन हो गया है। इसी तरह आपको वायरलेस ड्राइवर को अपडेट करना है। तो वायरलेस फाइल अपडेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके DVR में हार्ड डिस्क होना जरूरी है। दोस्तों इसी तरह के टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।